देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज़। स्पिन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। देखिए यहाँ पर अक्सर अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बीजेपी और पीएम मोदी पर अक्सर यहाँ सवाल खड़े करते नजर आते हैं। अभी तक देखा गया था कि यहाँ बीजेपी पार्टी या यूं कह लीजिए देश के प्रधानमंत्री मोदी शराब नीति को लेकर यहाँ अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आए थे, लेकिन आज अगर देखा जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया यहाँ पर शिक्षा को लेकर बीजेपी सरकार को बुरे तरीके से घेरते नजर आए हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि दिल्ली की शिक्षा को लेकर यहाँ आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी कमियां गिनवाई हैं और बीजेपी सरकार की नजरों को नीचा कर दिखाया है। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने ज्यादा सवाल खड़े करे किए गए थे, शायद वो सवाल उनमें से कुछ सवाल ऐसे थे कि जिनका जवाब देना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि यहाँ पर बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल से ये कहती भी नजर आई थी कि केजरीवाल को तो खुद ही नहीं पता है कि दिल्ली की हर गली के अंदर कितने ठेके खुले हुए हैं। देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात का बहुत ही आसानी से जवाब दिया था और शायद बीजेपी की बोलती बंद कर दी थी। और अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी उनके खिलाफ भड़काया गया था कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर वो भी अपनी एक अलग रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आपको आज की सबसे बड़ी अपडेट अगर बता दें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी से शिक्षा को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है कि शायद बीजेपी के लिए उसका जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आपको यहाँ पर बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे के लिए निकल चुके हैं और आज वो कच्छ में जाकर वहां पर अपनी यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस साल के अंत में यानी कि 2022 के अंत में गुजरात का चुनाव और गुजरात के चुनाव को यहां पर वो सेंधमारी करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि गुजरात का काफी ज्यादा डर उनको सता रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात को लेकर जो खबरें आ रही है वो ये है कि इस बार गुजरात से बीजेपी की कुर्सी जो है वो लड़खड़ाने लगती नजर आ रही है। आपको यहाँ पर बता दें कि बीजेपी की कुर्सी को इस वक्त इस बार गुजरात में काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बाहर उखाड़ कर फेंक दिया था। इसी तरीके से देखा जा रहा है कि जहां पर भी यहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है यानी कि अरविंद केजरीवाल की एंट्री जहां होती है वो वहां पर अपनी कुर्सी बनाकर बिठा लेते हैं। इसी तरीके से देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहाँ गुजरात दौरे पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर खा रहा है कि अगर गुजरात उनके हाथ से निकल गया तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी गुजरात को कैसे बचाएंगी, और दूसरी तरफ यहाँ शिक्षा को लेकर जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं उनका जवाब देने में कैसे सक्षम होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।